हे गाइस, वेलकम बैक टू सुनिधिज वर्ल्ड। एंड आज हम बनाएंगे एक स्टूडेंट्स के लिए प्लानर। प्लानर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एंड इसके लिए मैंने एक डायरी ली है। आप कोई भी अपनी पुराने नोटबुक भी ले सकते हैं, इसका कोई ज़रूरी नहीं है कि आप नहीं लो। सो पहले हम बनाएंगे इसका कवर पेज। सो कवर पेज के लिए मैंने पहले से ही रफ ड्राॅइंग कर रखी है एंड इसको अब बस हमें कलर करना है। सो पहले मैंने इधर कुछ फॉन्ट्स बना रखी हैं जिनमें मैं ग्रीन कलर करूंगी। एंड आपके प्लानर में जो भी पेज अगर बच जाता है, अगर आपने नई डायरी यूज करी है अपने प्लानर के लिए, तो उसको आगे आप जर्नलिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। सो मैंने दोनों फॉन्ट्स में कलर कर लिया है। अब मैं पिंक कलर लेके इसके कुछ डॉट डॉट्स लगाऊंगी जो एज अ फ्लावर रिप्रेजेंट करेंगे। सो मैं एंड का रिजल्ट देख के शॉक हो गई थी क्योंकि ये कवर पेज बहुत अच्छा लग रहा था। आप लोग भी एंड तक देखते रहिए ताकि आप लोग भी देख सके कि कवर पेज कैसा लग रहा था। सो जो ये फ्लावर इफेक्ट है, ये फंस के साथ बहुत सुंदर लगता है, इसलिए मैंने इनको बहुत सूट करता है, इसलिए मैंने ये इफेक्ट डाला है इसमें। सो धीरे धीरे छोटी छोटी डॉट्स बना के मैं पूरी फॉन्ट को कवर कर लूंगी। एंड मैं आगे जो मेरे प्लानर के पेजेस बच गए हैं उनमें मैं आगे थीम जर्नलिंग करूंगी। मींस लाइक कलर थीम जर्नलिंग करूंगी। लाइक कोई भी कलर मान लीजिए, जैसे लाइक रेड थीम जर्नलिंग एंड इस टाइप से। तो अभी हम दूसरे फॉन्ट में भी ऐसी फ्लावर इफेक्ट करेंगे। सो वो पहले वाली फॉन्ट तो बहुत ही सुंदर लग रही थी, अब हम दूसरे वाली में भी कर सकते हैं। सो इसके साइड में मैंने रेनबो बनाया, इनमें भी मैं कलर करूंगी। सो हे गाइस, मैंने इसमें रेनबो में कलर कर लिया है और अपना नेम लिखा है सुनिधिज वर्ल्ड एंड एक यूट्यूब का लोगो भी बनाया है। सो मैंने आपको कहा था ना कि बहुत सुंदर लगेगा, आई एम शॉक्ड। सो अब मैंने बनाया है कैलेंडर। इसमें मैंने सारे मंथ्स के नेम लिखे हैं और उनकी साथ साथ ही उनकी डेट्स भी लिखी हैं, जो बहुत प्यारा लग रहा है। एंड जो डेट्स हैं, जो कॉलम खाली रह गए हैं, उनको मैंने कलर करा है ताकि मैं कंफ्यूज ना हूँ। सो अब हम बनाएंगे एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन। सो इधर मैंने टू कॉलम्स बनाए हैं एंड फर्स्ट पहले वाले कॉलम को मैंने पिंक कलर कर लिया है एंड इधर मैं इम्पॉर्टेंट लिखूंगी। और नीचे वाले कलर्स में, नीचे वाला जो कॉलम है, इसमें आप कैसा भी डिज़ाइन बना सकते हैं। मैंने लाइंस बनाई है, आप कैसा भी इसमें इसको चाहे आप कलर भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है वो। अब मैं इधर इम्पॉर्टेंट लिखूंगी। मैंने गलती से इम्पोर और टेंट के बीच में गैप लगा दिया था, मैं लगाना नहीं चाहती थी। पर सो अभी हम थ्री स्क्वायर्स बनाएंगे। उसके लिए मैं मार्किंग कर लेती हूँ। मैंने 6 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर बनाया है। तो मैंने स्क्वायर बना लिया है, अब मैं इसकी आउटलाइन करूंगी।
तो मैंने डॉम्स का मेटेलिक पेन लिया है सी ग्रीन एंड इधर मैंने लिखा है टू डू लिस्ट। सो ये हमारी टू डू लिस्ट है। आप डेली का इम्पॉर्टेंट पेज बना सकते हैं क्योंकि डेली के अलग अलग टू डूज होते हैं, मीन्स आपको डेली कुछ ना कुछ अलग करना होता है तो आप डेली भी बना सकते हैं। मैंने सिर्फ एक बार ही बनाया क्योंकि मेरे को जस्ट आपको गाइड करना था कि आप अपनी प्लानर कैसे बना सकते हैं। सो मैंने ब्लैक कलर से आउटलाइन कर ली है इसकी एंड अब मैं वही वाला कलर लेके डॉम्स मेटेलिक इसकी आउटलाइन कर दूंगी। तो मैंने यहाँ पे टाइम टेबल बनाया है अपना नेक्स्ट पेज पर एंड जो पहले वाला पेज है उस पर मैंने गोल्स एंड रिवॉर्ड्स बनाए हैं। गोल्स एंड रिवॉर्ड्स इसलिए है क्योंकि जो भी हमारे गोल्स होते हैं उन्हें हम कंप्लीट करते हैं तो कुछ तो रिवॉर्ड होना ही चाहिए तो इसके लिए मैंने बनाया है। आगे आप अपना फर्दर कुछ भी कर सकते हैं, लाइक एग्ज़ाम की आप डेट